नामनोतियावती सकती पाप निरहरणे हरे तावत कर तुम न सकनोती मत समह पात की जना। श्री व्यास जी महाराज संसार के समस्त मनुष्यों को संबोधित करते हुए कहते हैं, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, इतना सामर्थ्य है, नाम नोति यावती ही शक्ति। पाप निरहरणे हरे, हमारे आपके सबके जीवन के जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के युग युगांतर के जीवन के सारे पापों का निवारण हो सकता है, सारे पापों का हरण हो सकता है। केवल ये जीव अगर अपने जीवन में भगवान के नाम का आश्रय ले। व्यास जी ने यहां तक कह दिया, तावत कर तुम न सकनोति। संसार सागर में कोई पापी उतना पाप कर ही नहीं सकता जितने बड़े पाप को भगवान के नाम में सामर्थ्य है समाप्त कर देने का। बोली भक्त वैष्णव भगवान की, दुनिया में कोई पापी उतना बड़ा पाप कर ही नहीं पाएगा। विद्वानों ने कहा, जन्म से लेकर के मृत्यु तक केवल पाप कर्म में जीव लीन रहे, परंतु अंत समय में भगवान के नाम का अगर आश्रय ले लेता है तो इसके जन्म जन्मांतर के सारे पाप ताप संताप सब समाप्त हो जाते हैं। अब जरा विचार करो, भगवान के नाम में इतना सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है, तो हमने आपने अपने जीवन में कई बार लिया, तो क्या हमारे आपके जीवन के पाप समाप्त हुए? इस पर विचार करना है। कई बार भगवान की कथा के पांडाल में जाकर के बैठे, उठते बैठते सोते जागते नाम उच्चारण करते रहते जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, तो क्या भगवान के नाम में इतना सामर्थ्य है तो हमारे आपके जीवन के पाप समाप्त हुए? इस पर विचार करना है। तो महात्माओं ने बहुत मीठा दृष्टांत दिया, कहा जैसे एक छोटी सी माचिस की तिली ले ली और पूरे जवाहर तिवारी उमरा गांव को नहीं, सुल्तानपुर जनपद को नहीं, फैजाबाद अयोध्या मंडल को नहीं, उत्तर प्रदेश को नहीं, भारत देश को नहीं, अभी तो एक छोटी सी माचिस की तिली सी हम आप सब पूरे विश्व को जला सकते हैं, इतना सामर्थ्य छोटी सी माचिस की तिली में है। परंतु जरा विचार करें, उसी माचिस की तिली से जो पूरे विश्व को हम आप सब जला रहे हैं, अगर उसी माचिस की तिली पर एक बूंद अगर हम आप सब जल डाल दें तो माचिस की तिली से एक तिनका नहीं जलता है। बोली भक्त वत्सल भगवान, एक बूंद जल पड़ जाने के कारण माचिस की तिली से एक तिनका जलने वाला नहीं है। तो विद्वानों ने कहा, उसी तरह से भगवान के नाम में सामर्थ्य तो है, शक्ति तो है कि हमारे जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के सारे पाप ताप संताप सब समाप्त हो जाएंगे, परंतु भगवान का नाम लेने में अगर कहीं से एक बूंद जल पड़ गया, जिसे माचिस की तिली पड़ जाता है, वो जल हमारे आपके जीवन में काम का, क्रोध का, लोभ का, ईर्ष्या का, द्वेष का, पाखंड का, घमंड का अगर जल हमारे आपके जीवन में है तो याद रखिएगा, फिर हमारे आपके जीवन के पाप समाप्त नहीं होंगे। भगवान के नाम से ऐसे विमुख होते चले जा रहे हैं, राम नाम से हमारे आपके सबके जीवन में दूरियां बनती चली जा रही है। एक बहुत मीठी बात बताऊं, कितने लोग आपको मिलेंगे, भैया हमने एक लॉटरी डाली है परंतु निकली नहीं, जो सोचा था इतना लाभ मिलेगा लॉटरी डाल के, कुछ मिला नहीं, पैसा सब बर्बाद हो गया। प्राय लोग कहते, भैया क्या बताएं, लॉटरी तो डाले थे लेकिन कुछ मिला नहीं, लगता है किस्मत फूट गई। बोली भक्त वत्सल भगवान की, कितने लोगों को आपने सुना होगा, अरे संतान हमारे घर में संतान का जन्म होने वाला है, सोचे थे भगवान कृपा करेंगे बढ़िया पुत्र का जन्म होगा, परंतु पुत्र की जगह पुत्री का जन्म हो गया, तो लोग कहते क्या बताएं महाराज, किस्मत फूट गई, लॉटरी नहीं निकली तो किस्मत फूट गई,
पुत्र की जगह पुत्री का जन्म हो गया तो किस्मत फूट गई। सोचा था व्यापार कर रहा हूं और इतना लाभ मिलेगा इस 2022 में 21 में, और नहीं मिल पाया। अरे महाराज क्या बताएं, किस्मत फूट गई। जरा आप विचार करो, हमारी आपकी किस्मत बेचारी कितनी बार जीवन में फूटेगी। बोली भक्त वत्सल भगवान की, एक ही किस्मत को कितनी बार फोड़ोगे। कहीं से सोचा था 2-4-10 लाख रुपए का फायदा होगा, नहीं हुआ, किस्मत फूट गई। सोचे थे बेटा भी पढ़ लिख करके बहुत बड़ा अधिकारी बनेगा, अधिकारी नहीं बन पाया, किस्मत फूट गई। नौकरी नहीं मिली, किस्मत फूट गई। महात्माओं की एक बड़ी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी सज्जनों, कि हमारे आपके सबके जीवन में भगवान ने एक ही किस्मत दी है और वो किस्मत बार बार नहीं फूटती। और किस्मत जानते हो कब फूटती है? मनुष्य का तन पा करके जब हमारे आपके जीवन का 24 घंटा बीत जाए और इस मुखमंडल से भगवान का नाम न निकले, समझ लेना कि आज हमारी किस्मत फूट गई। बोली भक्त वत्सल भगवान। राम नाम को अगर हम आप सब भूल गए, भगवान को भूल गए, तो जानना कि आज हमारे जीवन की किस्मत फूटी है। इसलिए हम आप सब भगवान के नाम का आश्रय लेके भगवान के नाम की महिमा को गुनगुनाते हुए भागवत कथा में प्रवेश करें। सब लोग हमारे साथ गुनगुनाएं।